कहते हैं पैसा आदमी की नीयत बदल देता है। अगर आपको पैसा और अपनी लाइफ इन दोनों में से किसी एक चीज को चुनना हो, विच ऑप्शन यू प्रिफर्ड, वेल वेलकम। आई होप कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही चल रहा हो। 26 दिसंबर 2024 के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज इसी डे को स्क्विड गेम का सीजन 2 आने वाला है। मेरे पास एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी है। बुरी खबर पहले सुना देता हूँ कि स्क्विड गेम का सीजन 3 लास्ट सीजन होने वाला है। फिर आपको स्क्विड गेम को बाय बाय कहना होगा, बिकॉज ऑफ ये रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स नहीं है, जो कि 10-10 साल तक चले बिना स्टोरी चेंज किए। पर अच्छी खबर यह है कि उस शो के लिए फिर से आपको 3 साल लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बात कर रहे हैं ये लोग कि 2025 के मिड तक ये रिलीज कर दे। अगर मिड में नहीं रिलीज होता है तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिलीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो सीजन 3 आने वाला है उसमें प्रोबेबली गेम्स नहीं होंगी। सीजन 2 में तो गेम्स होगी, ये चीज तो आगे से ही कंफर्म हो चुकी है, लेकिन सीजन 3 में मे बी हम लोगों को ये दिखाया जाएगा कि इस गेम के पीछे मास्टरमाइंड कौन था, ये गेम कितने सालों से चलती हुई आ रही है ऐसे ही। अब ये गेम्स आखिर चलाता कौन है, तो सीजन 1 में ही इसके आंसर देने की ट्राई की गई है। जितना मेरे को समझ आया है उतना मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो मेरे को ऐसा लगा था कि ये जो कंटेस्टेंट है उनको मरने के बाद उनकी लिवर किडनी ये सब ब्लैक मार्केट में बेच के ये लोग अर्न करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो लोग ऐसा कर रहे थे ना सीजन 1 के अंदर, उन लोगों को भी मार के लटका दिया था, अगर आपको याद हो तो। जहां तक कि स्क्विड गेम के अंदर दिखाया गया है, कंटेस्टेंट के ऊपर VIPs बैट लगाते हैं और उसके ऊपर ये सारी चीजें चलती है। VIPs कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। स्क्विड गेम टोटल 6 दिनों की गेम होती है, जहां पे सर्वाइव करना होता है 6 दिनों तक आपको, जहां पे 6 अलग अलग गेम्स खिलाई जाती है। 3rd या 4th दिन के गेम खत्म होने के बाद VIPs आते हैं। तब तक बहुत सारे कंटेस्टेंट ऑलरेडी आउट हो चुके होते हैं गेम्स में से, तो VIP लोगों के पास में भी लिमिटेड और अच्छी चॉइस होती है कि ये लोग आगे सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, और फिर वो लोग कंटेस्टेंट पे बैट लगाते हैं। इतना मेरे को समझ आया है स्क्विड गेम के सीजन 1 से। इसको ऐसे समझो कि स्क्विड गेम को एक इलीगल कंपनी रन करती है, जहां पे उसका पूरा मैनेजमेंट, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारी वो कंपनी संभालती है। उन पिंक ड्रेस वालों को कितनी सैलरी देनी है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, कंटेस्टेंट को कहां पे रखना है, ये सारी चीजें एक कंपनी डिसाइड करती है जो कि इलीगल है। और जो बुड़ा हुआ है 01 नंबर वाला, वो इस कंपनी का ओनर भी हो सकता है। जिसके बाद में VIP यहाँ पे बैट्स लगाते हैं सारे कंटेस्टेंट पे, और उनमें से कुछ अमाउंट उनको इस कंपनी को देना पड़ता है, क्योंकि ये गेम्स करवा रही है। इसीलिए इसको आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि कसिनो, जहाँ पे कोई जीतता है या फिर कोई हारता है, उससे कसिनो ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, वो मिलता ही है। और ये जो VIPs है ना स्क्विड गेम के अंदर, ये बहुत बड़े लोग है, इतने बड़े कि गवर्नमेंट तक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप लोग खुद सोच के देखो कि किसी भी सिटी के अंदर से या फिर किसी भी कंट्री के अंदर से 400 लोग गायब हो जाए, 500 लोग गायब हो जाए, फिर भी पुलिस कुछ ना करे, और अगर कुछ कोई करने की ट्राई करे तो उसको भी ठिकाने लगा दिया जाए, तो ये कोई मामूली आदमी का काम नहीं हो सकता है। और एक्चुअली में पता नहीं इतना कितनी बार हुआ है, मतलब कि ये तो हमको सिर्फ एक बार दिखाया गया है कि पहली बार ये गेम्स हुई है। और हाँ, कंटेस्टेंट को भी ये लोग वैसे ही प्रिफर करते हैं जिनके सुसाइड करने के हाईएस्ट चांसेस होते हैं, आई मीन 400 मिलियन का डैप, 600 मिलियन का डैप। अब भाई ये तो मेरा मानना है, एक्चुअली में सीरीज में जो दिखाएंगे वो शायद सीजन 3 में ही दिखाएंगे, सीजन 2 में भी गेम्स होगी। अब वो कौन कौन सी गेम्स हो सकती है, सबसे पहली गेम है जो कि इसके अंदर होगी ही, वो है डाकजी। प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, मैं कोरिया मेरा रेगुलर आना जाना नहीं है तो समझ लेना एक बार के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको नेटफ्लिक्स की तरफ से एक ट्रेलर टीजर मतलब जो भी हो वो देखने को मिला था, प्रमोशनल मटेरियल। उसमें सीजन 1 में याद है कंटेस्टेंट को हायर करने के लिए, मतलब उनको चुनने के लिए जो गेम्स खिलाई थी वो ये गेम है। दूसरी गेम है ट्रैक रेस, और ये गेम भी आप कंफर्म ही समझो क्योंकि टीजर के अंदर इस गेम को डाला गया था, जिसके अंदर लोग दौड़ेंगे और जो दौड़ नहीं पाया उसको। तीसरा कि स्क्विड गेम जैसी एक और गेम इसके अंदर होगी ही, एकदम 99% जितना कंफर्म समझो, क्योंकि ये एक तो पॉपुलर गेम है, ऊपर से अगर एक साथ में आपको बहुत सारे कंटेस्टेंट को मारना हो तो ये गेम काफी परफेक्ट बैठती है स्टोरी लाइन के हिसाब से भी। तो हो सकता है कि स्क्विड गेम को ही दोबारा से डाला जाए। लेट्स कमेंट के भाई आपको कौन सी गेम देखनी है और आपको किस तरीके से लोगों को मारने में मजा आता है। आई मीन गाइस, जोक अपार्ट था, केस मत करना। और हाँ, बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक जो मैं कवर करूँ, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। अभी मैं हूँ SH एक्सप्लोर, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब का सोच लेना आप लोग, कोई जबरदस्ती नहीं है।